जय हिंद साथियों, आज 1600 मीटर गांधी मैदान में आप वीडियो के अंदर देख पाओगे और लड़के का टाइमिंग छठ के बाद पहली बार 1600 मीटर की रेस को लगाया जा रहा है। हर संडे को हमारे बंदों का टेस्ट होता है ताकि हमें पता चल सके कि इनका टाइमिंग क्या आ रहा है। आप इस वीडियो पे बने रहना और अंत तक जरूर देखना ताकि आप बच्चे का रनिंग देख पाओ और जो मेहनत किया है उसके रिजल्ट को आप देख पाओ। तो अब 1600 मीटर की दौड़ स्टार्ट होने वाली है। 400 मीटर का ट्रैक है, 4 चक्कर लगवाया जाएगा। टाइमिंग लास्ट टाइमिंग 5:40 है, उसके बाद ऐसा खेल दिया जाएगा। तो आप सभी अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें। जय हिंद। चले इधर फेस करो, इधर फेस करो। सुंदर सुंदर दिया कुछ नहीं होगा यार, मारने वाला नहीं करेगा ना। खाली करवा ठीक है साहब। हाई लगा दे का दूसरा कर Thank you.
डाउन मार देगा तू, आज डाउन मार देगा, मारो खींच के। 4 मिनट 1 सेकंड, 4 मिनट 3 सेकंड। चल लास्ट है खींच, अरे हट हुई तो लगता है, मार दे उसी सका जाए। हाँ इसे मार के लपेल के हम लाते थे तो नहीं लगते, इतना ग्राउंड खेल है। साइड हो जाइए आप लोग, साइड हो जाइए। दस का हिम्मत तोड़े था, 10 के पीछे तो बड़ा तो है, फिर बहुत बड़ा है, उसे जो फिनिशिंग पॉइंट है उसको भेज देना चाहिए। सब घर में खाए हो बस तुम लोग, 6 मिनट के अंदर टोटल क्वालिफाई, लेकिन क्या है साथियों, अभी आपने देखा 1600 मीटर की दौड़, 1600 मीटर की दौड़ में जो लड़के हमारे छुट्टी से अभी तक, बहुत लड़के नहीं आए हैं, अभी जो आए हैं मैं उनका टाइमिंग आपको दिखाया, और लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो में वीडियो आप देखें, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर। और साथियों एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छठ के बाद पहली बार टाइमिंग लगी है, क्योंकि लड़के छठ में गए तो 10-12 दिन घर पे रह गए, तो उनका रनिंग थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन रेगुलर रहने पे उसकी दौड़ और अच्छी हो जाएगी। पुरानी टाइमिंग में आपको 10 दिन के अंदर अगले ट्रायल में दिखा दूंगा, तो आप सभी जो भी बने रहें वीडियो को हमेशा देखें, क्योंकि हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।